एनटीआर गार्डन को एक जैपनीज गार्डन की तरह बनाया गया है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे जो प्लांट्स मंगाए गए हैं वो ज़्यादातर बाहर से मंगाए हुए हैं। इन प्लांटों की 150 वेराइटीज़ हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो हर्बल के प्लांट्स हैं और डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं। एनटीआर गार्डन अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो नियर बाई है पॉपुलर हुसैन सागर लेक, आप वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हो और अपना एक अच्छा टाइम इंजॉय कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि एनटीआर गार्डन क्यों इतना फेमस है, इस गार्डन को किसने बनवाया और इस गार्डन को बनने में कितना एक्सपेंस लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नाउ टुडे आई एम इन एनटीआर गार्डन। एनटीआर गार्डन जो कि नेकलेस रोड पे बना हुआ है और ये गार्डन जो है पूरा नेकलेस स्टेशन में बना हुआ है और कंप्लीट उस गार्डन को जापनीज स्टाइल में बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारे तरीके से इस गार्डन को बनाया हुआ है और यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो एडल्ट के लिए 20 rupees है और चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रंस के लिए 10 rupees का है। और टाइमिंग जो है वो 12:30 टू 8:30 यहाँ पर वो ओपन रहता है। बहुत कुछ है इस गार्डन में, बहुत अच्छे तरीके से गार्डन को बनाया हुआ है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं गार्डन। और ये पूरा बाहर का एरिया है, जो आपको दूसरे साइड दिख रहा होगा वो है हुसैन सागर लेक है और बिल्कुल सेंटर में दिख रहा होगा वो है बुद्धा स्टैचू है। और ये है एनटीआर गार्डन का जो अंदर वाला एरिया है और ये पूरा पार्किंग का एरिया है जहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। ये है इसका एंट्री गेट है जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये है इसका एंट्रेंस जो कि एंट्रेंस बहुत बड़ा है और नंदी बुल्स के साथ में बनाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये जो दिख रहा है ये है इसका टिकट काउंटर जहां से टिकट परचेस करना है। हैदराबाद में हुसैन सागर लेक के पास 36 एकड़ का एक छोटा सा पब्लिक पार्क जिसका नाम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रामा राव के नाम पे रखा गया है। 1999 में इस पूरे एरिया को ज्योग्राफिकली पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। बिरला मंदिर, नेकलेस रोड और लुम्बिनी पार्क जैसे और बहुत से टूरिस्ट के अट्रैक्शन का पार्ट है। इसका रख रखाव बुद्ध पूर्णिमा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है जो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रही है। गार्डन के अंदर मिनी ट्रेन का एक सिंगल ट्रैक बनाया हुआ है जो कि विजिटर्स के लिए है और ये पूरे गार्डन को कवर करता है। टॉय ट्रेन के साथ साथ में एनटीआर गार्डन के अंदर और भी मनोरंजन की सुविधाएं हैं, जैसे एनटीआर गार्डन के अंदर एक डेजर्ट गार्डन बनाया हुआ है और इस उसके अंदर 150 प्लांट्स लगाए हुए हैं और आमतौर पे जितने भी प्लांट्स हैं वो डेजर्ट्स प्लांट्स हैं, जैसे कि कैक्टस है, रसीला और ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये औषधिक भी हैं जिनकी दवाएं बनती हैं और भी बहुत सारे हर्बल प्लांट्स हैं जो कि इस पूरे गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और विभिन्न हिस्से में जैसे कोलकाता, शिरडी आदि से लाया गया है। गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और इन्जॉय करने के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे वहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं आप और जापानीज़ गार्डन है और रोरिंग कैस्केड है और यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। बच्चों का प्ले एरिया भी काफ़ी बड़ा है जहाँ पे बच्चे अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ का जो एंट्रेंस है बहुत ही बड़ा एंट्रेंस है, नंदी बुल्स के साथ में इसको बनाया गया है। गार्डन है जहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स मंगाए गए हैं वो अलग अलग सिटी से मंगाए गए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा देखने में। ट्री दिख रही है, इस ट्री में सबसे ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद एक अंदर जो पाइप दिख रहा है, पाइप के अंदर बोट जाता है और बोट से बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आना है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड है।
यह गार्डन पॉपुलर लेक हुसैन सागर लेक के बिल्कुल नियर बाई है। यहाँ पर आप रात के 9 बजे तक जा सकते हो, क्योंकि एनटीआर गार्डन का जो टाइम है दोपहर के 12:30 बजे से रात के 9 बजे तक है। एनटीआर गार्डन का जो एंट्री फी है एडल्ट्स के लिए 15 रुपीज़ है, चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो 65 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, मोबाइल लेके जाते हैं तो 30 रुपीज़। बट हम लोग गए थे तो उन्होंने मोबाइल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए। इस पार्क के अंदर एक दूसरा भी है जो अट्रैक्शन का पार्ट है, वह है मंचर रेस्टोरेंट। मंचर रेस्टोरेंट जो है उसे मल्टी स्टोर्ड बनाया गया है और उसका जो शेप है बिल्कुल ट्री शेप में है। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो ट्री है। उसके जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस को बनाया गया है फाइबर ग्लासेस और पेंट किया गया है ग्रीन कलर से। आप देखोगे तो लुक लाइक रियल ट्री की तरह आपको लगेगा। यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं, यहाँ का स्टॉल वो भी काफ़ी टेस्टी है, लाइक जैसे मिर्ची भाजी है। और भी इस गार्डन के अंदर रिलैक्स करने के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसा कि ये एरिया दिख रहा है, ये किड्स के लिए है। किड्स का पूरा प्ले एरिया बना हुआ है और यहीं पर ही 3D के शो हो गए, हॉन्टेड शो और ये सारे अलग अलग टाइप के शोज भी होते हैं यहाँ पे। इस पार्क को इस तरह से बनाया गया है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ में आप नेचुरल सराउंडिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। गार्डन के अंदर फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे खाने पीने के लिए कार कैफ़े हैं, फूड रेस्टोरेंट्स हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये 2000 स्क्वायर मीटर में पूरा फैला हुआ है और यहाँ के जो फूड्स हैं वो भी काफ़ी टेस्टी हैं, डिलीशियस फूड्स हैं यहाँ पर। गार्डन को बिल्कुल जैपनीज स्टाइल में बनाया हुआ है, जो कि देखने से ही लग रहा होगा कि कितना सुंदर लग रहा है ये गार्डन। और यहाँ पे जैसे ये फ्रूट का पूरा बनाया हुआ है, पाइनएप्पल और गोवा का जो पूरा शेप बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। सो यहाँ पे इस गार्डन को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि यहाँ पे बड़ों के साथ में बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भी किड्स प्ले एरिया काफ़ी बड़ा है। और अगर बड़े हैं तो बड़े भी बच्चों के साथ में किड्स एरिया में इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। यह है टिकट काउंटर। अगर आपको कोई भी राइड लेना है तो टिकट आपको यहीं से परचेस करना है। अभी टेम्परेरी जो टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन को बंद कर दिया गया है और यहां से हमने टिकट ले लिया है। सो एक है अंडर वाटर वर्ल्ड थ्रिलिंग के लिए है 3D, और दूसरा हमने हॉन्टेड हाउस के लिए लिया 50 रुपीज़ के टिकट। एक्चुअली ये वाली एक्टिविटी मैंने पहले भी किया है, मैंने रामोजी फिल्म सिटी में भी किया था। बट नाउ माई गॉड, इट्स फील सो हॉरेबल। मतलब मैं लग रहा है कि मैं घूम रही हूँ या पूरा ब्रिज घूम रहा है।
अभी हम लोग एनटीआर गार्डन पूरा घूम चुके हैं और वहाँ से हम लोग अब एनटीआर मेमोरियल जा रहे हैं। सो एनटीआर मेमोरियल जो है एनटीआर गार्डन से दूसरी साइड बनाया हुआ है और ये सामने जो दिख रहा है ये हुसैन सागर लेक और बीच में है बुद्धा स्टैचू, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि बिल्कुल ही नियर बाई है ये। और ये पूरा बाहर का व्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। और ये जो सामने दिख रहा है ये है एनटीआर मेमोरियल है जहाँ पे हमें जाना है। यहाँ जाने के लिए अंदर आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते हो, तो शूज़ आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय एन टी रामा राव की याद में एनटीआर मेमोरियल गार्डन हैदराबाद में बनाया गया। यह गार्डन 36 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। एनटीआर गार्डन को बनने में लगभग 40 करोड़ लगे। पहले एनटीआर गार्डन को बंद कर दिया गया था लेकिन अब पब्लिक के लिए पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। अच्छा रहा कि गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राइड्स भी हैं, अगर आप आते हो तो बच्चों के लिए तो बहुत सारे राइड्स हैं। हाँ, बच्चों के साथ में बड़े लोग भी एंजॉय कर सकते हैं इस राइड्स को। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप अगर आते हो तो इवनिंग के टाइम पे इसका व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, सनसेट के टाइम में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि गार्डन को इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठ के अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो इसके नियर बाई बहुत सारे लोकेशन आप उनको कवर कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पे नियर बाई बिरला टेम्पल है, आपका लुम्बिनी पार्क है, तो ये सारे लोकेशन भी आप कवर कर सकते हो। सो ओवरऑल सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। और गाइज, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।